तृतीय गृह काकरोली युवराज परम पूज्य गौस्वामी 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महोदय श्रीनु दिवाली ना आशीर्वाद अने ग्रहण नु निवेदन। वाहला वैष्णव संवंत 2078 पूरा थता वर्षनी पूर्व संध्याए अने 2069 नी नूतन वर्ष श्री वल्लभाचार्य तृतीय पीठ तरफ थी काकरोली युवराज परम पूज्य गो 108 श्री डॉक्टर वागीश कुमार जी महोदय श्री तृतीय गृह वैष्णव सृष्टि तथा पुष्टि सृष्टि ने दीपावली ने नूतन वर्ष ने अनेकानेक शुभकामनाओं पाठवता हर्ष करू छू। सारू थता संवत 2089 ना नूतन वर्षे आप सर्व वती थी श्री प्रभुना चरणों में एज अभ्यर्थना के शुरू थता आप सर्व माटे एवं निरोगी यशस्वी धनधान्य थी समृद्ध अने भक्ति भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि करनारू निवड़े। विशेष में वैष्णवों ने खास जणावानुं के तारीख 25/10/2022 दर्श अमावस्याना दिवसे वर्षो पछी खांड ग्रास सूर्यग्रहण होवाथी आ दिवसे प्रभुनी भक्ति प्रभुनी सेवामां भाव श्रद्धापूर्वक वधु समय व्यतीत थशे तो आ ग्रहण द्वारा कोई समस्या उपस्थित थशे नहीं, जेथी आ ग्रहणनुं पालन करी प्रभुनी सेवा समरण रत रहेवा सर्व वैष्णवोने अनुरोध छे। मैं अपने अल्प वक्त विषय विराम लेता हूँ। बैठक मंदिर का क्या कार्यक्रम रहेगा खास करके? बैठक मंदिर में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। सभी वैष्णव मंदिरों में जो सारे समूचे विश्व के अंदर हैं और खास करके समूचे भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी का क्रम इसी प्रकार इसी अनुसार रहेगा। हमारे यहाँ कहीं दर्शन खुलते हैं कहीं नहीं खुलते ग्रहण के दरमियान, लेकिन करीब करीब दर्शन खुले रहेंगे ऐसी भी एक मान्यता और चर्चा अभी चल रही है जी। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की तृतीय पीठ के द्वारा समूचे विश्व के भक्तजनों को वैष्णवजनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए 21 तारीख को रमा एकादशी व्रत, 22 तारीख को धनत्रयोदशी, 23 तारीख को रूप चतुर्दशी, 25 तारीख को दर्श अमावस्या के दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण का एक विशेष आयोजन इस वर्ष मिला है भारत देश को, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा। ग्रहण का वेद 25/10/2022 को प्रातः 4:50 से लगेगा, अतः उसके बाद भोजन नहीं हो सकेगा। दोपहर 2:18 तक जलपान किया जा सकेगा। छोटे बालक एवं वृद्ध तथा रोगी मनुष्य दोपहर 2:18 तक भोजन कर सकेंगे। दिनांक 25/10/2022 को राजभोग तक का सेवाक्रम यथाशीघ्र पहुंचकर श्री प्रभु के अनुसर करा दिया जाएगा। राजभोग की प्रसादी तमाम गौ माताओं को जाएगी। ग्रहण के मध्य में 5:32 पर प्रभु के आगे दान का संकल्प किया जाएगा। यद्यपि ग्रहण का मोक्ष 25/10/2022 को शाम 6:29 को होगा, उसका वेद दूसरे दिन 26/10/2022 के दिन सूर्योदय समय प्रातः 6:39 की समाप्ति तक रहेगा। ये बात मैं सभी भक्तजनों को बताना चाहूँगा। वास्तव में दीपावली के दिन का ग्रहण वर्षों पश्चात इस देश के अंदर आ रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि विश्व पटल पर निश्चित रूप से कुछ उथल पाथल की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति प्रभु की सेवा और इस दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक जीवात्मा की कल्याण की भावना रख के अगर हम काम करते हैं तो यह ग्रहण कभी भी हमें कोई समस्या को उत्पन्न नहीं होने देगा। सभी भक्तजनों को यह नम्र अनुरोध है कि इस ग्रहण का पालन करें और भक्ति के द्वारा शरणागति के द्वारा सेवा के द्वारा स्मरण के द्वारा अपने जीवन को धन्य करें और विशेष रूप से इस दीपावली पर्व पर सभी भक्तजनों को सभी वैष्णवजनों को सभी आत्मीय जनों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना देते हुए मैं अपने अल्प वक्तव्य से विराम लेता हूँ।